हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज शाम इंद्री में पहुंचे और विकास कार्य को लेकर इंद्री नगरपालिका पार्षदों की बैठक में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इंद्री में पिछले कई साल से बन रहे फोर लेन कार्य को अतिशीघ्र पूरा कराने की न केवल घोषणा की बल्कि फोर लाइन को लाडवा तक बनाने का ऐलान भी कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंद्री में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार विकास की दृष्टि से पूरे प्रदेश में काम कर रही है, इंद्री भी विकास के कार्यों से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इंद्री पर विशेष कृपा रहेगी। मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि इंद्री में महिला कॉलेज खोलने की दिशा में अभी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। प्रदेश में होने वाले पंचायत राज प्रणाली के चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद यह चुनाव हो जाएंगे। वहीं बड़ौदा चुनाव में भाजपा की हार के सवाल को वे टाल गए। खास करके हमारे जो जिम सेंटर्स हैं या और जो स्टेडियम्स हैं उनके आसपास कहीं जोड़ेंगे ताकि व्यायाम वर्जिश के लिए योगा के लिए भी लोगों को जगह मिल जाए, क्योंकि व्यायाम और योगा ये भी उसका पार्ट है। तो खैर वो तो वहाँ हुआ, फिर उसके बाद आपके यहाँ इस सुंदर भवन को देखने का मौका मिला है। इसमें दोनों पार्ट है, आपका जो ऑफिस का पार्ट है, आपका जो कमर्शियल पार्ट है, और इन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए अमर शहीद गौरव सिंह जी का बोल वो बीच में है, तो उनके प्रति श्रद्धा का भाव हमारा सबका है ही है। इस भवन के बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। कोई कार्यक्रम में था, विधायक जी ने कहा कि इधर से निकल रहे हैं चाय का कप पी के जाना। रास्ते में इन्होंने कहा कि हमारा एक बहुत अच्छा भवन बना है। अब ये ठीक है कि मैं ही अपनी अनाउंसमेंट में इस भवन की के बारे में कह के गया था और पिछले 2.5 साल में ये बन के तैयार हुआ है। लगभग 4.5 करोड़ रुपया दोनों भवनों का, चाहे इसका ऑफिस का विंग है या फिर ये हमारा कमर्शियल विंग है, दोनों का मिला करके 4.5 करोड़ रुपया लगा है। और एक आत्मनिर्भर के नाते से ये ऑफिस अपना लगेगा। और यहाँ के पार्षदों से जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम अपने शहर में यहाँ के विकास के नाते से सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने भी उनको विश्वास दिलाया कि जो इनकी आवश्यकता है हम पूरी करेंगे। आज एक आवश्यकता पूरी कर दी है कि थोड़ा पार्ट इंद्री से लाडवा का जो रोड है वो अभी 5-6 किलोमीटर ऐसा था जो फोर लेन नहीं था, कौन से गाँव से आगे खानपुर से आगे, वो मंजूर कर दिया कि वो खानपुर से आगे भी फोर लेन हो जाएगा। काफी लोग अब उस नहीं, अब कोई समस्या नहीं आएगी। खानपुर तक तो बन चुका है, खानपुर के आगे का आज मंजूर कर दिया। अच्छा, दूसरा जो सबसे कोई कॉलेज नहीं है 15-20 किलोमीटर के एरिया के अंदर, जहाँ एक भी कॉलेज नहीं है, ना कॉमन यानी कोएड है, ना महिला है, ना कोई पहले वहाँ हमने पिछले साल में 12-13 खोले हैं। जहाँ कोएड है अभी उसको अलग अलग नहीं कर रहे, जब ये सारा सेचुरेशन हो जाएगा फिर इसको अलग करेंगे, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग। पूरा देखिए आप समझिए, करनाल से लेके और यहाँ तक की सड़क फोर लेन हो गई। अब आज जो ये बाकी बची थी फोर लेन हो गई। जिस जगह हम खड़े हैं 4.5 करोड़ रुपया इसका हमने लगाया है। नगरपालिका के सारे काम नगरपालिका कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के अंदर जितना पैसा उनको चाहिए उतना भेजा है, कोई कमी नहीं छोड़ी है और आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी के कार्यालय का उसका शुभारंभ करने के लिए आए थे, उसका निर्माण होना जाना था, उसके संपर्क में आज मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था भी आप जब करनाल आ रहे हैं तो आप हमारे हल्के इंद्री में भी आइए। एक स्टडी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इंद्री हल्के में आए, इससे पहले रंबा में आए, उसके बाद उन्होंने जो है नगर पालिका की जो बिल्डिंग बनी है, अच्छी बिल्डिंग बनी है उसका उनका विजिट किया, उसके बाद यहाँ पर जलपान का प्रोग्राम था, उस जलपान के लिए कड़ी में यहाँ पर पहुँचे थे। तो मैं और उसके बाद एक मुझे बड़ी खुशी, आज जो ये खानपुर से आगे लाडवा को सड़क जा रही है उसका फोर लेने का काम रुका हुआ था, आज मुख्यमंत्री जी अपने मुख से उसकी घोषणा भी करके गए हैं। इससे जो है हमारे इंद्री हलका को और लाडवा हलकों को बहुत बड़ी मतलब जो है सौगात मिलने जा रही है, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज जाने से हमारी। इसके अलावा भी कोई और घोषणा इंद्री हलके को की गई है या कोई नहीं अटके विश्वास दिला के गए हैं अभी जो है विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, पैसे में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, वो सारा विश्वास दिला के जाए गए हैं। और बाकी ये तो उनका एक जैसे जलपान का प्रोग्राम था, कोई हलके का प्रोग्राम जब होगा तो बढ़िया, हम घोषणा मुख्यमंत्री से और उनसे मांग रख के घोषणा कराएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप और भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।